दोस्तों, अगर आपका भी कोई पेटीएम कैशबैक है जो आपके पेटीएम वॉलेट में जो है शो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों जो है आपको अपनी जो है केवाईसी जो है चेक करनी है। तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्लू टिक आ रखा है, मतलब यहाँ पे वेरीफाइड जो है दिखा रहा है। बट आपको जो है प्रॉपर एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे चेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है प्रोफाइल सेटिंग में। यहाँ पर हम जैसे प्रोफाइल सेटिंग में यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो आप फिर से जो है यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर लिखा है दोस्तों केवाईसी वेरीफाइड। आप नीचे देख रहे हैं वॉलेट एक्टिवेट दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। ऊपर जो है दिखा रहा है केवाईसी वेरीफाइड। दोस्तों ये मैंने जो है अभी रिसेंटली जो है अभी करवाया है जाके, मतलब आज ही दोस्तों। मेरा जो है ना कैशबैक वो जो है मेरे पेटीएम वॉलेट में जो है शो नहीं कर रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये टोटल जो मैंने जो है शॉपिंग करी थी। मैंने यहाँ पे जो है एक वाउचर परचेस किया था और उसमें जो है मुझे 10 या 12% जो है कैशबैक मिल रहा था, जो कि शायद 12% था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे को जो है 600 रुपये जो है मिलने चाहिए थे। लेकिन मेरा केवाईसी जो है, मैं आपको पहले ऑर्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक वाउचर परचेस किया हुआ है और यहाँ पे आप ये देखिए वाउचर है और यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मुझे 12% का जो है 600, मतलब हाँ 600 रुपये जो है कैशबैक जो है मिलना था। और अभी मैं आपको जो है अपना पेटीएम वॉलेट जो है दिखाता हूँ, जो कि मुझे जो है नहीं मिला था। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी रिसेंटली जो है अपनी केवाईसी जो है जाके कराई है। उससे पहले मेरा केवाईसी जो है डन नहीं था। तो मेरा पेटीएम वॉलेट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 जो है दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे पेटीएम बैलेंस 0 है और यहाँ पे देखिए बैलेंस हिस्ट्री में देख सकते हैं हम यहाँ पे के ऊपर जो है आपको यहाँ पे 0 जो है दिखा रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 561 दिखा रखा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेटीएम गोल्ड है कुछ, और यहाँ पे जो है नीचे प्रोसीड का जो है ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले जो हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हम इसे बैक कर देते हैं और अभी देखते हैं हमारा जो है ये क्या सीन है यहाँ पे। तो अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कैशबैक जो है आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए कैशबैक आपका चेक करने के लिए कैशबैक एंड ऑफर्स में। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 620 जो है यहाँ पे दिखा रखा है, बट बाकी 20 तो पहले का है। वहाँ पे 600 रुपये जो है यहाँ पे देख रहे हैं कैशबैक जो है मुझे मिला है। तो दोस्तों हम इसे जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसे जो है हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये जैसे कि गोल्ड है, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आपका केवाईसी डन नहीं है तो आपको ये जो है पैसे जो है कैशबैक नहीं करता है, आपको जो है ये गोल्ड जो है ऑफ़र करता है पेटीएम। तो दोस्तों हमें इस गोल्ड को जो है अपने ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। तो सबसे पहले जो है आप ऊपर टाइप कर लिए पेटीएम गोल्ड और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है पेटीएम गोल्ड जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ऊपर दिखा रहा है लॉकर बैलेंस 561, साइड में देख रहे हो आप 6% माइनस में भी था। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा नीचे, लेकिन अभी जो हमें इसे सेल करना है तो हम सेल पर जो है क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे जो है अमाउंट दिखा रखा है। यहाँ पे जो है हमें अपना जो है अमाउंट डालना है। अगर आपका पूरा 600 डलता तो दोस्तों आप बाद में जो है कटता पैसा, लेकिन मेरा ऑलरेडी 6% जो है कट चुका है। तो 561 जो है ये ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे अपने बैंक डिटेल डाल लेता हूँ और अभी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बैंक डिटेल जो है एंटर कर लिया है और प्रोसीड पर जो है क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो है OTP का वेट कर लेते हैं और जैसे ही हमारा जो है यहाँ पर OTP आएगा हम जो है नेक्स्ट करेंगे ऑप्शन। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास OTP जो है आ चुका है यहाँ पर, और चलिए मैं यहाँ पर OTP जो है एंटर कर लेता हूँ। और कंफर्म पे कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है गोल्ड सेल पेंडिंग, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स आप वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है नीचे जो है आपका जो है पे स्लिप जो या आपका जो ये डाउनलोड इनवॉइस है ये आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करके जो है देख सकता हूँ। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं जैसे मेरा ऊपर जो है मैसेज आ गया है पेटीएम गोल्ड का जो है कट चुका है, ये इसका मैसेज जो है आ गया है। तो मैं आपको जो है अभी थोड़ा दिखाता हूँ कि मतलब चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में तो पैसा आ ही चुका है और अभी उसको चेक करने के लिए भाई आया है या नहीं आया है, क्या आया है, तो अभी हम चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है कुछ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है ओपन हो चुका है, तो इसमें बैक कर देता हूँ एक बार। और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है नीचे, पूरा जो है ऑर्डर ID है, डेट है, आप सब कुछ जो है चेक स्टेटस जो है क्लिक कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर पूरा जो है डिटेल है चेक स्टेटस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे आप देख रहे हैं अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है ये ID है, किस ID से क्या है। बाकी आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे व्यू गोल्ड लॉकर, यहाँ तो लॉकर का बैलेंस भी हम चेक करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं 561 था पहले, अभी यहाँ पर जो है 0 हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि भाई हमारे में जो है पैसा आया है नहीं, यहाँ से तो हमारा जो है ये गोल्ड का अमाउंट जो है कट चुका है। अभी हम देखते हैं हमारा अमाउंट आया है कि नहीं हमारे बैंक में। तो चलिए हम जो है अपने बैंक का एक बार जो है बैलेंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसे जो है यहाँ से बैक करते हैं।
और देख रहे हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर जो है कुछ मैसेजेस मिले हैं अभी, जैसे कि हमारे अकाउंट में कुछ जो है, ये देखिए मेरा HDFC का बैंक है और यहाँ पे जो है कुछ अमाउंट जो है हमें रिसीव हुआ है, 560 रुपीज़ जो है हमें रिसीव हुए हैं और 1 रुपये जो है अलग से जो है हुआ है, पता नहीं क्यों, बट हमारा जो है टोटल अमाउंट जो है हो चुका है 561, बट हमारा 6% जो है कटा था यहाँ पे। तो दोस्तों आपका जो है KYC डन होगा और आपका वॉलेट अगर एक्टिवेट होगा तभी आपको जो है कैशबैक मिलेगा, अदरवाइज़ आपको गोल्ड बैक मिलेगा जो कि आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। दोस्तों अगर कुछ समझ में ना आया हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था, वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।